मैं और मम्मी जाने वाले हैं सरोजनी नगर, लेकिन लोग ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि जो सरोजनी में है वो सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कों के भी कपड़े मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लड़के के कपड़े थोड़े ज़्यादा मतलब कॉस्टली होते हैं एज कंपेरिजन टू लड़कियाँ, बट आपको बार्गेनिंग करना आना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ लड़कियों के कपड़े, तो दिखेंगे ही आपको, लड़कों के भी दिखाऊंगी, ये भी दिखाऊंगी कि मिलते कहाँ से और अच्छे कलेक्शंस कहाँ से मिलेंगे, साथ में शॉप नंबर भी मैं आपको दिखा दूंगी और ये भी दिखा दूंगी कि कहाँ पर कितने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते। टंटना, तो ये भी मैं रेडी हो चुकी हूँ सरोजनी जाने के लिए, जिसमें है ये मेरी बहन का पिंक वाला जैकेट, ब्लैक वाला स्पैगेटी, और ये मेरा है जिसको नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन अब समझ गए ना, उतना बहुत है। और साथ में ये मैंने पहने हैं मछली पकड़ने वाले हुक, जिसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, और मेरी बहन के शूज़। अब चलते हैं सरोजनी में और करते हैं सरोजनी की शॉपिंग, सो लेट्स गो। पहले बिक्सी के पास से हमें लड़कों के जैकेट्स दिखे, बट यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो हम आगे बढ़ गए और यहाँ पर हम पहुँच गए शॉप नंबर 178 में, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे स्वेटर भी दिखा था, लेकिन यहाँ पर भैया 400-500 रेट बता रहे थे, बट यहाँ पर आपको इजीली 100-200 के बीच में मिल जाएगा। एंड देन हम पहुंचे शॉप नंबर 182 में, जहाँ पर 200 के अंदर एकदम कोरियन वाइब देने वाली स्कर्ट्स मिल रही थी, जिसमें बहुत सारे वेराइटीज थी, बहुत सारे डिजाइन थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में। साथ ही मुझे देखिए अफोर्डेबल मेकअप आइटम्स, जिसकी स्टार्टिंग रेट 50 रुपीज से थी। बाद में और मम्मी पहुंच गए मेरी स्कर्ट की खोज करने शॉप नंबर 47 में, जहां पर हमें 200 की बहुत अच्छी स्कर्ट्स भी मिल रहे थे, जहां से मैंने एक स्कर्ट पिक कर लिया था। अपने आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए मैं पहुंच गई शॉप नंबर 18 के पास, जहां पर स्टार्टिंग रेंज जो है 50, 30 और 20 रुपीज से, और यहाँ पर मतलब मैं बार बार पहन के ट्राई कर रही थी, बट मम्मी को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मम्मी भी कैमरा हिला रही थी। स्टिल मैंने एक दो मतलब पसंद किए, तो इसमें से मैंने फिर अपना एक पर्ल वाला इयरिंग चूज़ कर लिया, जो मुझे मिला था 20 रुपीज़ में। जब भी हम सरोजनी नगर आते हैं तो हम हमेशा मोमो ज़रूर खाते हैं, तो इसलिए हम पहुंच गए अपने दाई के पास, जिनकी शॉप है गेट नंबर 5 के पास, जो यहाँ पर बहुत टेस्टी टेस्टी मोमोज बनाते हैं और हम यहाँ से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी फेवरेट मोमोज की शॉप है, एंड एज एवरीवन नो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ से मैंने पनीर मोमोज लिया था 40 के हाफ प्लेट, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और मैं यहाँ पे अपने आप लोगों को चुरा चुरा के खा रही थी। हेलो आई बंदी तो आई। और फिर सरोजनी में शॉपिंग करने आए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए आइसक्रीम के बिना ये शॉपिंग आधी अधूरी थी, ऊपर से विंटर सीजन में आइसक्रीम का बेस्ट ही कॉम्बिनेशन होता है, तो इसलिए मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम ली थी। जिनी में आपको 100 रुपीज़ के अंडर अंडर बहुत सारे वॉचेस भी मिल जाएंगे, बट मेरे पास था तो मैं आगे बढ़ गई और अपने भाई के लिए हाई नेक ढूंढने लग गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो कैमरा संभालना और ख़ुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, और स्पेशली सागर के लिए हाई नेक ढूंढना भी बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फाइनली हमें हाई नेक मिल गया था, जो वाइट कलर में ही था, और भाई को वाइट वाला ही हाई नेक चाहिए था, साथ में इसमें और भी कलर्स वैरायटीज़ थे, जैसे कि वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया, और भी मतलब ये जो शॉप है ये लड़कों के कपड़ों के लिए बेस्ट था। और ये जो शॉप नंबर है ये है 79, बट यहाँ पर जो भैया है इन्होंने हाई नेक का प्राइस कम नहीं किया, और भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस बता रहे थे, जो भैया प्राइस बता रहे थे वो था 400 से 500 के बीच में, और भैया ने बिल्कुल कम नहीं किया, इसलिए हम यहाँ से भी आगे बढ़ गए। तो सरोजनी के गेट नंबर 4 के पास से 100 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर्स मिल रहे थे, तो यहाँ से मैंने एक सागर के लिए हाई नेक वाला स्वेटर मिल ही गया और मैंने वो ले लिया था। तो ये रहा हमारा ये छोटा सा बैग सरोजनी में, इसको लेने में दोपहर से पूरी शाम हो गई और शाम से अब रात होने को आई है। आज क्योंकि था सैटरडे और सैटरडे को बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, मतलब पैर रखने की ना कदम भी नहीं थी, हमने बहुत मुश्किल से शूट किया है, बहुत मुश्किल से मतलब ये ख़रीदारी की है, बट इतने अच्छे से मैं शॉपिंग नहीं कर पाई, इतने अच्छे से मैं दिखा नहीं पाई, पर जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना वीडियो में दिखाया। तो आज की हमारी शॉपिंग ज़्यादा नहीं थी, इतनी ही थी, जो जो मुझे कपड़े चाहिए थे वही मैंने कपड़े लिए हैं और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिया नहीं है। अब मैं एक बार पहन के देखती हूँ कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है, वेट।
तो ये रहा मेरा पहला स्वेटर जो मैंने 200 रुपीज़ में लिया था, बट भैया ने इसका रेट बोला था 400 रुपीज़। लेकिन आज सैटरडे संडे था तो जो दुकानदार होते हैं वो जो कपड़ों की रेट है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और उन्होंने 400 रुपये कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ा कर बोले थे। मैंने इसको फाइनल में 200 में ख़रीद ही लिया, और बस ये मेरा पहला था। अब नेक्स्ट ड्रेस ट्राई करते हैं। ये मेरी स्कर्ट, आई होप आप लोगों को दिख रही हो ये रही। तो ये जो स्कर्ट थी यही 200 वाली जो है, और मैंने इस स्कर्ट के ऊपर में मैंने ये ब्लैक कलर का अपना हाई नेक ब्लैक टॉप पहन लिया है, और मैंने सोचा कि इसके नीचे अगर मैं ब्लैक वाला बूट पहनूंगी तो इसका बहुत सही कॉम्बिनेशन बैठेगा, और अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो इसके ऊपर मैं ना एक ओवर साइज कोट पहन लूँगी, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब ट्राई करते हैं मेरे भाई का हाई नेक। तो ये रहा हाई नेक सागर का जो मैंने लिया था 100 रुपीज़ में। ये मेरे को बहुत ईजिली मिल गया था, वैसे तो लड़कों वाले सेक्शन में मैंने देखा था, बट लड़कों वाले सेक्शन में ये वाला हाई नेक मिल नहीं रहा था। वैसे सागर बोल रहा था कि उसको व्हाइट कलर का चाहिए, बट ये मैंने थोड़ा आई थिंक ये क्रीम कलर है जिसमें मैंने लिया है, और ऊपर से मुझे मिला था लड़कियों के कपड़ों के सेक्शन में, तो वहाँ से अब मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लड़का लड़की दोनों पहन लेंगे, मतलब मैं और सागर हम दोनों ही पहन सकते हैं। और ये भी मेरे इस कार्गो वाले पैंट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है कि सारे कपड़े मेरे ऊपर आ गए हैं और बहुत अच्छे से आ गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा सरोजनी का विंटर कलेक्शन, सॉरी सरोजनी नगर का विंटर कलेक्शन मेरा बोल रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस।